अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। सीएए जैसे काले कानून के खिलाफ लड़ने वाले मेरे साथियों, एनआरसी का बायकॉट करने वाले तमाम साथियों, इस वक्त पूरे देश में इन दोनों मुद्दों की बड़ी मुखालफत हो रही है। हम तमाम तर लोगों को कि जो लोग इस काम में आगे बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं। लेकिन मैं एक गुजारिश आपसे करना चाहता हूं, आप अपने बस पंचायत में धरना करें या बाइक रैली करें या एहतजाज करें, कोई प्रदर्शन करें या ब्लॉक लेवल पर करें, तो बराए मेहरबानी कम अज कम एक मेमोरेंडम अपने बीडीओ के यहाँ जरूर दे दें। गवर्नर के नाम से दे दें, राष्ट्रपति के नाम से दे दें, आप जैसा मुनासिब समझ रहे हैं मेमोरेंडम जरूर दें। जमहूरियत में, लोकतंत्र में सरकारों के सामने में ये चीजें नजीरें बनती है और हुकूमत पर दबाव बनता है, लोगों की नाराजगी का बाजाबता एक रिकॉर्ड तैयार होता है और ये दस्तावेज भी आपके लिए होगा। आने वाली नस्लें भी कल देखेंगी कि आप इस लड़ाई को लड़े थे। इसलिए बड़ा मेहरबानी, जहां भी आप धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, उसका कम अज कम एक मेमोरेंडम सरकारी दफ्तर में जरूर देने का काम करें। अब तक 50 बल्कि सैकड़ों जगह पर हमारे लोगों ने रैलियां की हैं, धरने दिए हैं, लेकिन मुझे खबर मिली है कि बहुत कम जगह पर लोगों ने मेमोरेंडम देने का काम किया है। लोकतंत्र में मेमोरेंडम की बड़ी अहमियत होती है। जमहूरियत में सरकार पर दबाव डालने के लिए, हुकूमत का कानून बदलवाने के लिए हमारा मेमोरेंडम भी हमारे हथियार में से एक हथियार है, इसका इस्तेमाल जरूर किया।